आपने कई किस्से और कहानियों में समुद्र में पाए जाने वाले अनेक विशाल और भयंकर जीवों का जिक्र सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि असल में इन समुद्री दैत्य जीवों का अस्तित्व है? क्योंकि महासागर इतने विशाल हैं कि अभी तक हम इसके गर्भ में बसने वाली अनेक प्रजातियों को खोज ही नहीं पाए हैं। इंसान समुद्रों का सिर्फ 5% हिस्सा ही खंगालने में सफल हो सके हैं, जबकि 95% समुद्री हिस्सा हमारी पहुंच से कोसों दूर है। यही वजह है कि हम समुद्र की गहराई में रहने वाले अनेक जीवों से अनजान हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही समुद्री जीवों के बारे में बताएंगे जिनका हकीकत में वजूद था, या फिर यूं कहें कि ये जीव आज भी जिंदा हैं, लेकिन समुद्र की गोद में सोए हुए हैं। क्रैकेन। कई लोक कथाओं में क्रैकेन का जिक्र किया गया है। बताते हैं कि ये जीव समुद्र की गहराई में रहने वाला खतरनाक दैत्य है, जो काफी हद तक विशाल ऑक्टोपस की तरह दिखाई देता है। इसकी एक भुजा सैकड़ों क्विंटल की बताई जाती है। कुछ लोगों का तो यह तक कहना है कि क्रैकेन का शरीर एक द्वीप के जितना होता है। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ऐसा मानना असंभव है, लेकिन वाकई में यह एक विशाल समुद्री जीव है। वैज्ञानिक इसे जायंट स्क्वाइड कहते हैं। यह 46 फीट यानी कि 14 मीटर तक लंबा हो सकता है, यानी एक बड़े ट्रक के आकार जितना बड़ा होता है। यही मुख्य वजह है कि इस जीव को सिर्फ 2 बार देखा गया है। इसकी भुजाएं इतनी बड़ी होती हैं कि यह विशाल समुद्री जहाज की ऊंचाई तक आराम से पहुंच सकती हैं। इसकी भुजाओं के चारों ओर जहरीले कांटे होते हैं और इन्हीं के बदौलत ये बड़े से बड़े जानवर को दम घोटकर मार डालते हैं। आपको बता दें कि इस जीव को लेकर दुनिया भर में कई किताबें, कहानियां, नॉवेल्स और फिल्म्स तक बनाई जा चुकी हैं। साल 2006 में आई हॉलीवुड फिल्म पायरेट ऑफ कैरेबियन डेड मैन चेस्ट में डेवी जोन्स का किरदार इसी जीव से प्रेरित था। साल 1250 में क्रैकेन के बारे में नॉर्वे के वैज्ञानिक ने अपनी किताब कोनुंगस्कस्गा में जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि क्रैकेन जितने विशाल होते हैं उससे अधिक उनकी भूख होती है। ये अपने आसपास मौजूद सैकड़ों मछलियों को एक साथ निगल जाते हैं। इसके बाद 1735 में स्वीडिश बोटेनिस्ट कार्ल लिनिक्स ने भी अपनी एक बुक सिस्टमा नेचर में इस विशाल जीव के बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने इसका वैज्ञानिक नाम माइक्रोकॉस्मस मेरिनस दिया है। इनका अनुभव था कि नॉर्वे के आसपास के गहरे समुद्र में ये जीव हो सकता है। लेकिन दोस्तों, 1976 में घटी एक घटना ने इस जीव के होने के सबूत को और पुख्ता बना दिया। दरअसल अमेरिकी नौसेना का समुद्री जहाज पानी में आराम से चल रहा था, फिर अचानक इनके सोनार डोम पर किसी जायंट स्क्विड ने अटैक कर दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोनार डोम जहाज के आगे का एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी मदद से पानी में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाया जाता है। आपको बता दें कि ये हमला इतनी शांति से किया गया था कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी और जहाज के सोनार सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। जब इसकी जांच की गई तो इसमें कई पंजेनुमा डंक फंसे मिले। आपको बता दें कि ऐसे डंकनुमा पंजे स्क्वैड के शरीर पर पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्क्वैड के अधिकांश प्रजातियां छोटे आकार की होती हैं, जबकि जहाज में फंसे मिले डंक की लंबाई कई मीटर थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर ये डंक किसी स्क्वैड के हैं तो उसकी न्यूनतम लंबाई 150 फीट तक होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये स्क्वैड एक ब्लू व्हेल की तुलना में करीब 2 गुना बड़ा होगा, लेकिन असलियत तो ये है कि ब्लू व्हेल से बड़ा कोई समुद्री जीव नहीं है। इस तरह ये माना जाता है कि ये डंक किसी ऐसे समुद्री जीव के थे जिससे हम इंसान बेखबर हैं। क्रोकेन स्क्वेड्स की एक खास आदत होती है कि ये ज्यादा रोशनी में रहना पसंद नहीं करते। ये समुद्र की हजारों फीट गहराई में अंधेरे में रहते हैं। शिकार करने के लिए इसके पास ऑक्टोपस की तरह 8 मजबूत और लंबी भुजाएं होती हैं। ब्लूप साउंड क्रिएचर। समुद्र की गहराई में खोज करने वाले कई शोधकर्ताओं ने अनेक समुद्री आवाजों को रिकॉर्ड किया है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस आवाज को सुना तो वो दंग रह गए। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये आवाज समुद्री ज्वालामुखी विस्फोट की हो सकती है, लेकिन वहीं कुछ का मानना है कि ये डरावनी आवाज किसी समुद्री जीव की है। एक अनुमान के मुताबिक इंसान 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो अभी आपने ब्लूप साउंड सुनी
थी वो 50 हर्ट्ज की थी। इसे 1997 में साउथ अमेरिका के पैसिफिक ओशन में एक ओशन रिसर्चर्स टीम ने रिकॉर्ड किया था। ये आवाज अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी और हाई एम्पलीट्यूड टाइप की साउंड है। सबसे पहले इस आवाज के बारे में अनुमान लगाया गया कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने या फिर बर्फ के चट्टानों के चटकने या फिर टूटने की आवाज हो सकती है। लेकिन जब इसकी गहनता से रिसर्च की गई तो पता चला कि इस रहस्यमय साउंड की फ्रीक्वेंसी काफी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। खोजकर्ताओं का कहना है कि ऐसा तभी संभव है जब इस आवाज को किसी जिंदा जीव ने निकाला हो। इस लिहाज से ये माना जाता है कि ये आवाज किसी ऐसे समुद्री दैत्य जीव की है जो समुद्र की गहराई में निवास करता होगा। दोस्तों, इस आवाज की गर्जना इतनी तेज थी कि इसे 800 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अगर ये किसी समुद्री जीव की आवाज थी तो जाहिर है कि ये काफी विशालकाय होगा। आपको बता दें कि इस आवाज की फ्रीक्वेंसी ब्लू व्हेल की फ्रीक्वेंसी से भी अधिक थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी ब्लू व्हेल की आवाज की फ्रीक्वेंसी 10 से 40 हर्ट्ज तक होती है, जबकि इस रहस्यमय समुद्री जीव की आवाज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी। इस तरह माना जाता है कि समुद्र में व्हेल से भी बड़े जीव हो सकते हैं और हम अभी तक उनकी पहुंच से दूर हैं। मेगालोडॉन शार्क। मेगालोडॉन शार्क एक बेहद ही खतरनाक शार्क मानी जाती है। इस शार्क के जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि इसके दांत काफी बड़े होते थे। इसका अंदाजा आप कुछ यूं लगा सकते हैं कि इसका जबड़ा इतना विशाल होता था जितना एक इंसान के रहने लायक कमरा होता है। मेगालोडॉन बहुत ही ताकतवर होने के साथ साथ हिंसक शिकारी भी थे। विशालकाय शरीर और लंबे नुकीले दांतों की वजह से ही इनका नाम मेगालोडॉन शार्क पड़ा। माना जाता है कि एक नवजात मेगालोडॉन जन्म के समय 6 से 11 फीट लंबा होता था। मेगालोडॉन शार्क 60 फीट तक लंबी होती थी, जबकि इसका वजन लगभग 100 टन था। इसके 3 मीटर बड़े खतरनाक जबड़े और 7 इंच के तेजधार वाले दांत हुआ करते थे। ये इतनी बड़ी खूंखार शिकारी थी कि एक ही बार में व्हेल जैसे खतरनाक जीव तक को खा जाते थे। अनुमान है कि इसका बाइट फोर्स 25,000 PSI था। इस लिहाज से ये शार्क इतनी पावरफुल थी कि छोटे मोटे लोहे के जहाज का कचूमर बना सकती थी। बताते हैं कि करीब 36 लाख साल पहले मेगालोडॉन नाम का ये खतरनाक जीव समुद्र में राज किया करता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से ये विलुप्त हो गई। लेकिन आज भी कई समुद्री मछुआरे और ओशन रिसर्चर्स इसके होने का दावा करते हैं। साल 2009 में कैलिफोर्निया के नजदीक कुछ मछुआरों ने तकरीबन 60 फीट लंबी एक शार्क देखने का दावा किया था। मछुआरों का कहना था कि इस शार्क ने पानी में इतना जोरदार गोता लगाया कि उससे पानी में इतनी ऊंची लहर उठी कि उनकी नाव डूबते डूबते बच गई। हालांकि शार्क ने उन लोगों पर हमला नहीं किया। जब इस बात की जानकारी शोधकर्ताओं को मिली तो उन्होंने काफी खोजबीन की, पर उन्हें मेगालोडॉन जैसी शार्क तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें बड़ी मात्रा में दूसरी शार्क के शरीर के कई छोटे छोटे टुकड़े मिले। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इन शार्क्स को कौन मार सकता है। हो सकता है कि जरूर यहाँ कोई विशालकाय शार्क आई होगी जिसने यहाँ मौजूद अनेक जीवों को खाकर अपनी पेट पूजा की और फिर नए शिकार की तलाश में आगे बढ़ गई होगी। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि विशालकाय शरीर होने की वजह से मेगालोडॉन खाने की तलाश में कभी कभी समुद्र में काफी आगे तक निकल जाती थी। ये अधिकांश सीकाव, कछुए, मछलियां और बड़ी व्हेल्स का शिकार करती थी, लेकिन कई बार कुछ न मिलने पर ये समुद्र में रहने वाले छोटे बड़े तमाम जीवों को अपना शिकार बना लेती थी। मेगालोडॉन शिकार पर सबसे पहले पीछे से अटैक करती हैं। ये उसकी पूंछ या फिर पिछले हिस्से पर इतनी ताकत से काटती हैं कि वो तैरने में असमर्थ हो जाता है। ये शिकार को अपने तेज धार वाले बड़े नुकीले दांतों से दबोचकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, ताकि शरीर का मांस और हड्डियां टूटकर अलग हो जाएं। मेगालोडॉन शार्क के तेज धार दांत और शिकार को चीरफाड़ करने का तरीका ही इसे समुद्र का सबसे खूंखार शिकारी बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेगालोडॉन को अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए रोजाना 136 से 1225 किलो तक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसे इतनी खुराक न मिले तो इसका लंबे समय तक जिंदा रह पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, मेगालोडॉन के विलुप्त होने की एक वजह यह भी हो सकती है। टाइलोसॉरस।
ये एक ऐसी विशालकाय शिकारी छिपकली है जो करीब 8 करोड़ साल पहले समुद्र में अपना दबदबा जमाए हुए थी। ये जीव करीब 56 फीट लंबा हुआ करता था। माना जाता है कि ये ऐसे समुद्री रेप्टाइल्स थे जो लेट क्रिटेशियन से आधुनिक मॉनिटर छिपकलियों और सांपों से निकटता से संबंधित था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये कोमोडो ड्रैगन जैसी दिखती थी, लेकिन पैरों की बजाय इसके शरीर में शार्क की तरफ फिन्स होते थे। साथ ही इसके पास सांप जैसी पूंछ भी हुआ करती थी। 1764 में हॉलैंड की मोसिस नदी के किनारे एक जीव का पहला जीवाश्म खोजा गया था। ये छिपकली इतनी बड़ी शिकारी थी कि ये शार्क जैसी खतरनाक मछलियों को भी मारने में सक्षम थी। इसका शरीर काफी लचीला होता है, जिसकी मदद से ये समुद्र में आसानी से यहाँ वहाँ घूमती फिरती हैं। इसे समुद्र का डायनासोर भी माना जाता है। बताते हैं कि टाइलोसोरस का अस्तित्व डायनासोर से भी पुराना माना जाता है, लेकिन पृथ्वी के मौसम में आए अचानक परिवर्तन के चलते ये जीव तेजी से विलुप्त हो गए। लेकिन साल 2014 में इसके जिंदा होने का दावा किया गया। क्रूज में सफर कर रहे एक यात्री का कहना था कि जब उसका क्रूज मेक्सिको के करीब पहुंचा, तब उन्होंने समुद्र में छिपकली जैसा विशालकाय समुद्री जीव देखा था। आकार में ये जीव लगभग 50 फीट लंबा था। ये जीव पानी से कुछ समय के लिए बाहर आया और फिर वापस पानी के भीतर चला गया। कहते हैं कि अगर ये जीव आज भी जिंदा होता तो धरती से शार्क का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका होता। इसका व्यापक असर समुद्री फूड चेन पर दिखाई देता। आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि इन जीवों का कोई वजूद ही ना हो, क्योंकि अनेक ऐसे समुद्री जीव पाए गए हैं जिन्हें एक समय के बाद विलुप्त मान लिया गया, लेकिन बाद में वो जिंदा पाए गए। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे खतरनाक और डरावना लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।